दोस्तों, क्या आपको पता है कि रशिया में एक ऐसा रहस्यमय रेडियो स्टेशन है जहां से जनवरी 1982 से आज तक दिन के 2400 घंटे सातों दिन शॉर्ट रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल्स रिलीज होते रहते हैं। आपको सुनने में भले ही पेचीदा लग रहा होगा, मगर ये मजाक की बात नहीं है, क्योंकि UVB 76 के नाम से जाना जाने वाला ये रेडियो स्टेशन पिछले 40 सालों से एक मिस्टीरियस मोनोटोनस सिग्नल 4625 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे रिलीज तो कर रहा है, लेकिन ये सिग्नल्स आने कैसे चालू हुए और 40 साल बीत जाने के बावजूद उन्हें अब कौन ऑपरेट कर रहा है, इसको लेकर सब अपनी अलग अलग थियोरीज और कॉमेंट्स जरूर प्रेजेंट करते रहते हैं, मगर हकीकत क्या है ये कोई भी नहीं जानता, जिस वजह से आज की डेट में इस रेडियो स्टेशन को हॉन्टेड भी माना जाने लगा है। अब सोचिए, धरती के एक हिस्से से हॉन्टेड सिग्नल्स हर पल रिलीज हो रहे हैं और किसी को भनक तक नहीं लग रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि ये घटना सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष से आने वाले एक ऐसे सिग्नल को डिटेक्ट और रिकॉर्ड कर रहे हैं जो ना तो किसी पल्सार का है और ना ही किसी नॉन कॉस्मिक एंटिटी का। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अंतरिक्ष में ऐसी कौन सी रूहानी ताकत है जो इस सिग्नल को धरती से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर से क्रिएट और एमिट कर रही है। वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, इस सिग्नल की खोज की गई जुलाई से सितंबर 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाली साइंटिस्ट की एक टीम के द्वारा, जो जब दुनिया के सबसे बेहतरीन रेडियो टेलीस्कोप एरे में से एक MWA यानी कि मर्किंसन वाइड फील्ड एरे के डेटा को एनालाइज कर रहे थे, तो उन्होंने एक अननोटिस्ड सिग्नल को खोज निकाला। अननोटिस्ड सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिन्हें दुनिया भर में मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा रिकॉर्ड तो कर लिया जाता है, पर किसी कारण से उन्हें ज्यादा एनालाइज नहीं किया जा पाता या फिर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। नाउ, इस सिग्नल को GPM G183910 का नाम तो दे दिया गया, मगर ये सिग्नल आज तक के मानव इतिहास में खोजे गए सभी सिग्नल से बहुत अलग और पेचीदा था। मगर क्यों? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि जहां रेडियो बर्स्ट केवल कुछ सेकंड्स या फिर इवन कुछ मिली सेकंड्स में रिपीट होते रहते हैं और फिर अचानक से गायब भी हो जाते हैं, तो वहीं पर ये सिग्नल मिली सेकंड्स या इवन 4 से 5 मिनट भी नहीं, बल्कि हर 21 से 22 मिनट में रिपीट हो रही थी। अब आखिर ये स्ट्रेंज क्यों? अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो पहले जल्दी से मैं इसे ही क्लियर कर देता हूँ। देखो, जनरली हमारी धरती पर जितने भी इंटरस्टेलर सिग्नल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं ना, वो कुछ सेकंड्स या फिर मिली सेकंड्स में इसीलिए रिपीट होते हैं क्योंकि वो सारे सिग्नल किसी ना किसी पल्सार की जेट से रिलीज होते हैं। अब हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सिर्फ एक पल्सार में ही इतनी सारी एनर्जी होती है कि वो रिपीटेडली सिग्नल्स को इतने लाइट ईयर्स दूर से एमिट कर सके, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर के लिए किसी ऑब्जेक्ट का हाईली एनर्जेटिक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये सिग्नल भी रिपीटेडली रिकॉर्ड तो किए जा रहे थे, लेकिन अगर इस सिग्नल को कोई पल्सार एमिट कर रहा होता तो इसे भी कुछ सेकंड्स में ही रिपीट होनी चाहिए थी, लेकिन इस सिग्नल की ड्यूरेशन बिल्कुल ही डिफरेंट और इलोंगेटेड थी एज कंपेयर टू ए फास्ट रेडियो बर्स्ट, जिस वजह से सबसे अहम सवाल यह बन जाता है कि इसे एमिट करने के पीछे आखिर ऐसी कौन सी कॉस्मिक एंटिटी जिम्मेदार थी जिसे अभी तक हम अपने रिकॉर्ड्स में ही दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, और यहां से असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस सिग्नल की ओरिजिनेशन को डिटेक्ट करना, जिसमें सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की गई कि धरती के रेडियो टेलीस्कोप पर यह सिग्नल कब से रिकॉर्ड होनी शुरू हुई है। अब आर्काइव्स खंगाल गए तो यह पता चला कि साल 1995 में चालू किए गए जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप में भी इसे रिकॉर्ड किया गया था, और इस रेडियो टेलीस्कोप के पहले कार्ल जी जेंसकाई वेरी लार्ज एरे नाम के रेडियो टेलीस्कोप द्वारा भी साल 1988 में इसे सबसे पहले रिकॉर्ड किया जा चुका था। 1988 से पहले इस सिग्नल की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं खोजी गई, जिस वजह से साल 1988 वाले आर्काइव को ही इस रिकरिंग सिग्नल की पहली रिकॉर्डिंग के तौर पर मान लिया गया। अब यहाँ पर एक अंतरिक्ष फन फैक्ट, और वो ये कि भले ही लोग साल 1977 में कैप्चर किए गए वाओ सिग्नल को इस दुनिया का सबसे पुराना रिकॉर्डेड सिग्नल मानते हैं, लेकिन अगर हम लोग रिकरिंग सिग्नल्स की बात करें जो हर कुछ देर में रिपीट होते रहते हैं ना, तो पिछले 35 सालों से लगातार रिपीट होने वाले इस GPM G183910 सिग्नल को हम ओल्डेस्ट कंसिस्टेंटली रिकरिंग सिग्नल डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, विच इज कि ये सिग्नल ब्रह्मांड के कौन
से कोने से धरती तक पहुंच रहे हैं। इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिकों ने उस डायरेक्शन को पिन पॉइंट किया जहां से ये रेडियो वेव्स धरती तक आ रही थी, और फिर जब उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन की गई तो ये पता चला कि ये सिग्नल धरती से करीब 15,000 लाइट ईयर्स दूर स्क्यूटम कॉन्स्टेलेशन में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट से निकल रहे हैं। अब देखो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि इस कॉन्स्टेलेशन से कुछ तगड़ी चीजें निकली हो, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूआई स्कूटी, जिसे ब्रह्मांड में अब तक के खोजे गए सबसे ब्राइटेस्ट स्टार में से एक माना जाता है, वो भी इसी कॉन्स्टेलेशन के अंदर मौजूद है। और इन दोनों ही डिटेल्स के साथ हम इस ऑब्जेक्ट की पूरी डेमोग्राफी पता लगा चुके थे। बस अब ये आइडेंटिफाई करना बचा था ना कि ये चीज आखिर है क्या। अब हमारे करंट मॉडल्स के हिसाब से ये कोई न्यूट्रॉन स्टार नहीं हो सकता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार्स को लेकर एक टर्म होता है द डेथ लाइन, और डेथ लाइन का ये नंबर वो मिनिमम रेट ऑफ रोटेशन होती है जिससे धीमे रोटेट करने पर हमारे अभी के कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से कोई न्यूट्रॉन स्टार किसी भी तरह का एमिशन नहीं कर पाता है। और उस स्केल पर तो बिल्कुल भी नहीं जिस स्केल पर इस ऑब्जेक्ट से हमें कंटिन्यूअस रीडिंग्स मिल रही थी। अब ज्यादा डिटेल्स मिल सके इसके लिए और भी रीडिंग्स को एनालाइज किया गया, जहां कुछ सिग्नल्स 30 सेकंड्स तक रिकॉर्ड किए जा रहे थे तो वहीं कुछ 5 मिनट तक भी रिकॉर्ड हो रहे थे, मगर कुछ नया नहीं पता चल रहा था। अब महीनों तक लगे रहने के बावजूद भी जब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका तो रेडियो वेव्स को देखते हुए डॉक्टर नताशा हर्ली वॉकर, जो इस स्टडी को लीड कर रही थी, उन्होंने अंत में सिग्नल और सिग्नल के ओरिजिनेशन पॉइंट से मिलने वाले डेटा को देखकर यही फैसला दिया कि यह ऑब्जेक्ट एक यूनिक अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार है, जिसके जैसा अभी तक मानव इतिहास में कुछ भी देखा नहीं गया है। नाउ दिस वॉज रियली सरप्राइजिंग, क्योंकि जहां अभी कुछ ही समय पहले हम लोग डेथ लाइन को लेकर इतना आर्ग्यू कर रहे थे ना, तो वहीं पर इस रिजल्ट ने ढेरों कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को सिरे से नकार दिया था। मगर अपने बयान में उन्होंने ये बात भी साफ करी कि ये ऐसा पहला केस नहीं है जब किसी अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार को ऑब्जर्व किया गया हो। अब इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल अभी साल 2021 में ही देखने को मिला था, जब एक ऐसे मैग्नेटार की खोज करी गई थी जो हर 18 मिनट में करीब 1 मिनट लंबे सिग्नल्स भेज रहा था, जिसे सर्वसहमति से एक अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार के रूप में डिनोट भी किया गया था। बट स्टिल उस मैग्नेटार में और इस मैग्नेटार में कैच ये है कि जहां वो मैग्नेटार 18 मिनट में सिग्नल रिपीट करके अपने आप में बहुत स्लो था, तो वहीं ये वाला ऑब्जेक्ट उससे भी 3-4 मिनट स्लोअर था, जो आपको बहुत ज्यादा नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर हम किसी हाईली एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट जैसे कि पल्सार और मैग्नेटार की नजर से देखें तो ये डिफरेंस अपने आप में कॉस्मोस को हिला देने वाला होता है। अब दूसरी चीज जो इन दोनों में अलग और बहुत ही डिस्टर्बिंग है वो ये है कि किसी नॉर्मल मैग्नेटार या फिर पल्सार की तरह, जहां 18 मिनट वाले मैग्नेटार ने 3 महीने तक अपने सिग्नल्स को एमिट किए थे और फिर डिसअपीयर हो गया था जैसा कि नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार्स करते हैं, तो वहीं पर यह ऑब्जेक्ट पिछले 35 सालों से इन सिग्नल्स को रिलीज करता चला आ रहा है और आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे ही कुछ एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कुछ लोग इस बात पर भी तुक्का लगाते हैं कि ये सिग्नल किसी मैग्नेटार द्वारा रिलीज नहीं किया जा रहा, बल्कि ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा भेजा गया मैसेज है, जो बार बार हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं लोगों का एलियन सिविलाइजेशन के प्रति इस तरह का शक जताना लाजमी भी है, क्योंकि एक तो ये किसी भी पल्सार या फिर मैग्नेटार के सिग्नल की एमिटिंग ड्यूरेशन को बहुत पहले ही एग्जिट कर चुका है, और दूसरी बात ये भी है कि अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार से आने वाले सिग्नल को रिकॉर्ड भले ही किया गया हो, पर कोई भी परफेक्ट इमेज आज तक नहीं मिल पाई है, जिस वजह से टेक्निकली हम लोग इमेजरी ऑब्जर्वेशन की मदद से भी ये नहीं पता लगा सकते कि इन सिग्नल्स के पीछे वाकई कोई बड़ा सा मैग्नेटार है या कोई ऐसी एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी है जिसे हम ज्ञान के अभाव में लगातार मिस करते जा रहे हैं। नाउ लकीली लगातार इन सिग्नल्स में रिपीटेशन होने की वजह से हमारी रिसर्च की प्रोग्रेस और तेज होती जा रही है, मगर मैग्नेटार भूत और एलियंस के बीच उलझ रही इस गुत्थी के ऊपर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।